जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। चलो बच्चे का दुआ करो, तवज्जो से दुआ पे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन गोलखपुर आज यूपी के अंदर सदर मजलिस मखबे मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो जानलेवा हमला किए हाईवे रोड पर, जो सदर साहब दिल्ली जा रहे थे हाईवे रोड पर जो ना खातिलाना हमला किए। और मैं यूपी की गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये जो दिल्ली के घर पे असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे जो है ना पत्थर मारे थे, ये दूसरी बार है। ये असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर एक वाहिद शख्स है जो हर मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हर कोई भी मसला हो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आवाज़ उठाते हैं। आज पार्लियामेंट की आवाज़ के ऊपर जालिमों ने हमला किया, वो जालिमों को मैं यूपी की हुकूमत से यह कहना चाहता हूँ, वो जालिमों को पकड़कर सख्ती से वो सजा दीजिए वो जालिमों को। ये हमला कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, क्योंकि मेरे सदर मोहतरम के ऊपर गरीबों की, मुसलमान गरीबों की, दलितों की, हिंदुओं की, हर भाई की दुआ है मेरे सदर मोहतरम के ऊपर। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे सदर मोहतरम का, ये हमको उम्मीद है। अल्लाह मेरा अल्लाह मेरे सदर मोहतरम के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ यूपी से कामयाब जरूर होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कारनामा ये जालिम तंजीमों ने मिलके किया है, सदर मोहतरम अपने कारवान से दिल्ली रवाना हो रहे थे, रास्ते में टोलगेट के पास उनकी गाड़ी पर चार दफ़ा फायर किया गया है। जिसे अल्लाह बचाना चाहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो या योगी हो, अरे तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसका साथ अल्लाह है। और तुम लोग जान लो 100 सीट सदर मोहतरम ने वहाँ पर दी है टिकट, और इंशाल्लाह 100 सीटों पर हम बिल्कुल कामयाबी करेंगे। अरे तुम बौखलाहट का शिकार हो चुके हो, ऐसे गांडू हरकतें कर रहे हैं, अरे शेर क्या है, शेर के साथ आओ मुकाबला करो, बैक साइड बीच साइड से आके चूहों को भेज के ये गोली चलाना, अरे हमारे बच्चों का खेल है। मेरे सदर मोहतरम के वालिद साहब बोलते हैं सियासत हमारे घर की लौंडी है। बेशक हमारी सियासत, हम मजलिस से ये सिखाती है कि हमारी सियासत हमारे घर की लौंडी है। अरे बेवकूफ़, तुम इससे पहले भी हमारे केजरीवाल को भाई वार्निंग दिए थे हम
के दिल्ली के एक मकान पर सदर मोहतरम के घर के ऊपर हमला किए हैं। जब भी कुछ एक्शन नहीं लिए हैं वही है सदर मोहतरम जो खामोश बैठे हैं, चलो छोड़ो बोल के करें। आज जानलेवा हमला हुआ है, अगर मेरे सदर मोहतरम का बाल भी बागा हो आज तुम्हारे ये अखिलेश यादव हो या योगी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम को एक ऐसा मजा चखना चखा सकते थे। इंशाल्लाह ये दिन बहुत दूर नहीं है, 10 तारीख के दिन 100 सीटों का परचम लहराते हुए मजलिस उत्तर प्रदेश में आएगी और तुम बौखलाहट का शिकार हो चुके हो और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला मजलिस के साथ है, बैरिस्टर असद अवैसी साहब के साथ है और आपको मालूम होना चाहिए जब कभी भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठे थे मजलूमों की आवाज़ बनकर उठते और ऐसी शक्ति पर तुम हमला करने वाले, अरे कुत्तो तुम समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। बस इसी के साथ कहते हो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यह इंतहाई दुख का दिन है कि हमारे सदर अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो सारे हिंदुस्तान के गरीबों के दिल की धड़कन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर गरीब की आवाज़ उठाने वाली आवाज़ पर आज हमला किया गया है। इसकी भोलकपुर के अंदर तमाम भोलकपुर के अंदर रहने वाले जीने वाले लोग इंतहाई गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस बात का हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बड़े पैमाने पर तहकीक करके उन खादियों को कहरे फिक्रदार तक पहुंचा जाए और सदर मोहतरम अलाज नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। ये एक सिर्फ एमपी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों दलितों गरीबों की आवाज़ है और इन सबको आज बेहद दुख हुआ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सदर मोहतरम की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हर किस्म के आने वाले हमलों से महफूज रखें और जिन जिन लोगों का आज दिल दुख हुआ है हम उन तमाम लोगों को इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह के हुजूर दो रकात नमाज अदा करके शुक्राना अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला सदर मोहतरम की ताज़दम-ए-ज़ीस ताक़यामत हिफाजत फरमाए और हर दुश्मन के हमले से महफूज फरमाए और ज़ालार मिल्लत और उनके होनहार बेटे जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीबों की आवाज़ बनकर ललक आज लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनके इस फ़ायदा पहुंचाने को ताज़दम-ए-ज़ीस जारी रखे। और मैं तमाम मोहिबान मजलिस से गुजारिश करता हूं कि सदर मजलिस के लिए अपनी दुआओं में खुसूसी एहतमाम करें और कल जुमा के दिन खतीब साहिबान से भी गुजारिश करूंगा कि सदर मजलिस की हिफाजत के लिए उनके तहफ़ के लिए उनकी सुरक्षा के लिए अपनी खास दुआओं का अहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मोहम्मद रफ़ीक अहमद बोल रहा हूँ मैं। साहब के नाम पे दो बकरे लाके है, तस्सीम करे है कबूतरा वारे और दोनों का शुक्राना नमाज पढ़ेंगे, पूरी जन साहब के लिए दुआ करिए। मेरी तो ये चाहे पूरी आवाम से एक ही चाहे दोनों का शुक्राना नमाज पढ़ के दुआ करिए साहब के खिदमत में। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दिन एक और ब्लैक डे हिंदुस्तान में दर्ज किया गया बुजदिलों की द्वारा, बुजदिलों की तरफ से जो है आज एक दिन असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो बुजदिना वाला हमला यूपी में किया गया उसकी हम निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, मजम्मत करते हैं। और ये जो हमला हुआ है दौरान इलेक्शन, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुखालिफिन जो है मुखालिफिन में जो है इंतशार पैदा हो गया है और असदुद्दीन अवैसी साहब की पब्लिक सिटी और उनके जो पब्लिक दौरे हैं, जो आवाम उनके साथ जो लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़ी है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो या साबिका चीफ मिनिस्टर हो, वो दोनों के पास भी कोई आवाम नहीं आ रही। असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आवाम का अजदाम है, जिस गली से गुजरते हैं हज़ारों के तादाद में जो है मर्द औरत और ख़वातीन तो जो है फूलों की बौछार कर रहे हैं यूपी पे, वो दुश्मनों को देखा नहीं गया। मुखालिफिन के अजायम क्या है, उसके पीछे क्या कारफरमा जो है ताकतें हैं, कौन सी ताकतें हैं, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और मुकामी उत्तर प्रदेश की हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और जो भी बुजदिल हमला किए हैं उसके पीछे कारफरमा ताकतें कौन सी जमातें हैं, जल्द से जल्द जो है आज़ादाना और मुनसिफाना और इंक्वायरी करके तहकीकात करके उसकी जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे। और मैं हमारे यहाँ के मुकामी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के कलवाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी जो है अपना असर और रसूख दिल्ली गवर्नमेंट पर और वहाँ की मुकामी उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर जो है दबाव डालें। और मैं यहाँ के हमारे हैदराबाद के तमाम मसाजिद में कोई मसला की जो है ये मसला नहीं है, चाहे वो जमीतुल हदीस हो, सुन्नतुल जमात की मस्जिदें हो, तबलीगी जमात की मस्जिदें हो, हर अल्लाह की मस्जिद में कल जुम्मे के दिन दराजी उम्र असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के लिए दुआएं करें। मैं तमाम
मस्जिद के मौजनों से, इमामों से और ख़तीबों से ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने महलों की मस्जिदों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है दराजी उम्र के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जितने भी सीटों पर वहाँ लड़ रही है इंशाअल्लाह अच्छा कांटे की टक्कर है, इंशाअल्लाह तमाम सीटों पर जो है अल्लाह तमाम को कामयाब करे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। हाँ।